इंदौर में एक मामी ने अपनी ही गोद ली भांजी के साथ क्रूरता की हदें पार कर दी। मामी ने न केवल 8 साल की बच्ची को बेरहमी से पिटाई की बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट भी दाग दिए। गंभीर रूप से जख्मी बच्ची को देखकर लोगों ने पुलिस और चाइल्ड लाइन की सूचना दी। पुलिस ने मासूम को NY अस्पताल में भर्ती कराया। घटना शनिवार रात पाटनीपुरा शराब की दुकान के सामने की है। वहां लोगों ने बालिका को बदहवास हालत में देखा तो चाइल्ड लाइन की टीम को सूचना दी, जिस पर इंदौर चाइल्ड लाइन के समन्वयक राहुल गोथाने, काउंसलर मंजू चौधरी, गोनिका वाधे और नरेंद्र राजपूत मौके पर पहुंचे। टीम ने देखा कि बालिका बहुत ही डरी हुई थी। चाइल्ड लाइन टीम बालिका को लेकर MI थाना पहुंची और मामले की जानकारी देने के साथ उसे MY अस्पताल में जाकर एडमिट कराया। बच्ची के चेहरे पर व गले पर चोटों का निशान है। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसके पूरे शरीर पर ही चोटों की कई निशान है। बालिका का प्राइवेट पार्ट भी काफी जख्मी होकर जला हुआ था। बालिका को बयान के बाद पुलिस ने आरोपी मामी को हिरासत में ले लिया। MIG थाना TI अजय वर्मा ने बताया कि अभी तक मामी की भूमिका सामने आई है कि वह बच्ची को बेरहमी से पिटाई करती थी। उसके पति की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पीड़िता बालिका बार बार घटना को याद कर सहम जाती है और रोने लगती है। टीम द्वारा उसकी काउंसलिंग की जा रही है। मामले में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल व सदस्य संगीता चौधरी भी अस्पताल पहुंचे और बालिका से पूछताछ की। उसने बताया कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। पिता वाराणसी में रहते हैं। पिता द्वारा उसे इंदौर में रहने वाले साले राम प्रकाश जायसवाल को कुछ माह पहले गोद दिया था। राम प्रकाश खुद को मासूम की माँ को मुंह बोला भाई बताता था। चूंकि राम प्रकाश लक्ष्मी के बच्चे नहीं थे, इसलिए मासूम की माँ का निधन के बाद राम प्रकाश और उसकी पत्नी मासूम को गोद लेकर अपने साथ ले आए थे। दोनों ने बच्ची के पिता से अच्छी देखभाल का वादा किया था। रहवासियों ने बताया कि पति बेरोजगार है और शराब पीता है। दंपति की कोई संतान नहीं है। रहवासी अरुणा शर्मा ने बताया कि वे उसे भोजन नहीं देते थे और घर में सारा काम कराते थे। जरा जरा सी बात पर लक्ष्मी उसे बेरहमी से पीटती थी। कई बार तो उसके बाल खींचकर उखाड़ दिए। उसे कई बार गर्म चीज भी दागा। वह बचाव के लिए चीखती थी। एक अन्य रहवासी रीना शर्मा ने बताया कि वह शनिवार रात मंदिर में आई तो सहमी थी। बाहर ठेले पर सब्जी लेने आई तो उसके शरीर पर चोट के काफी निशान थे। पूछने पर बताया कि उसकी मामी ने उसके जमकर पीटा था। पुलिस ने आरोपी की लक्ष्मी के खिलाफ सामान्य मारपीट की धाराओं को केस दर्ज करके उसे हिरासत में लिया है। मामले में जब रहवासियों को सूचना मिली तो वे थाने पहुंचे। उनका गुस्सा इस बात को लेकर कि पुलिस ने सामान्य धाराओं को केस दर्ज किया जबकि हम प्रत्यक्षदर्शी हैं कि यह सामान्य मारपीट का मामला नहीं है। जांचकर्ता ASI धीरज शर्मा ने बताया कि बालिका की अभी विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट के आधार पर और भी धाराएं बढ़ाई जाएगी। मी से मारती थी, अरे पूरे शरीर में उसको हमेशा, कभी निकलती थी बाहर तो ऐसे निशान दिखते थे, कहीं नखून से नकोचा हुआ, कहीं आंखें हरी हरी। बताया जा रहा है कि बच्चे को गोद लिया, परंतु मुझे शंका है कि बच्चे को कहीं से उठा के लाए लोग। उसकी जांच करी है। उसकी जांच करी जाए। लक्ष्मी जायसवाल करके एक महिला आरोपी है, तो उन्होंने क्या है, अपनी मुंह बोली भांजी जो उनकी बहन की लड़की है उसको, उनके पास में रहती थी वो, तो उसने मारपीट की। इसके संबंध में तो अभी जानकारी नहीं, FIR हो गई है। अब जांच बढ़ती है तो वैसा फिर बताते हैं।